हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और अभी हो रही है शाम 7:30 बज रहे हैं और आज मेरा व्लॉग इतना लेट स्टार्ट हो रहा है। और आपको अभी मैं एक चीज दिखाने वाली हूँ। मैंने किचन के लिए कोई चीज मंगवाई हुई है जो आज ही आई है मेरे पास और मैं सोच रही हूँ उसका रिव्यू करूंगी 2-3 दिन बाद यूज करने के, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत थी। जरूरत भी कैसे कि जैसे मैं आपको किचन में काम करते हुए नजर आती थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि आप इस चीज को मंगा लीजिए, बहुत ही यूजफुल है। तो अभी मैं इसे यूज करूंगी, देखती हूँ कि मुझे कैसी लगती है, उसके बाद ही आपको बताऊंगी, उसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है। तो मैंने मंगाया अमेजोन से ये ड्राइंग मैट और ये मैंने इसके नीचे रख दिया है टब के नीचे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था जब मैं बर्तन वगैरह धोती थी तो इसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता था और फिर मुझे ये टब हटा के पानी वाइप करना पड़ता था। अब जो भी इन बर्तनों में से पानी निकलेगा वो सारा इसी वाइप के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और फिर मुझे जब मैं ये टब खाली करूंगी तो फिर इसको जो वाइप को मैं बाहर सुखा दिया करूंगी। तो आप देख सकते हैं आज इसके नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा का सारा पानी जो था इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अभी 2-3 दिन और देखूंगी कैसा लगता है मुझको, फिर आपको एकदम ऑनेस्टली जो चीज होगी जो उसके बारे में होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और ये आया है दूध, शाम का भी ये दूध बॉईल करने वाला भी काम हो जाता है। अमूल वाला आया है, ये भी मुझे अच्छा लगता है लेकिन मुझे पतंजलि का ज्यादा अच्छा लगता है। आज वो नहीं मिला, खत्म हो गया, इतनी डिमांड होती है ना उसकी कि फटाफट लोग लेकर चले जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर मुझे पतंजलि का अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे अमूल का अच्छा लगता है और मदर डेयरी का सबसे एंड में। तो चलिए अभी इसको बॉईल करना है मुझे। तो दूध मैंने बॉईल करना रख दिया है, 1 लीटर तो मैंने फ्रिज में रख दिया और 1 लीटर मैं बॉईल कर रही हूँ। और बहुत गैस मैंने तेज की हुई है, हाई फ्लेम पे जब मैं करती हूँ तो यहीं खड़े रहती हूँ, नहीं तो फिर ये बॉईल होके बाहर आ जाएगा। और जब इधर उधर होती हूँ तो सिम कर देती हूँ, नहीं तो फिर गैस अगर गंदी हो जाए ना दूध गिर के तो बहुत मुश्किल होता है मेरे को साफ करना, बहुत दिक्कत होती है, दूध आसानी से साफ भी नहीं होता। ही थोड़ी देर पहले मैं ना मोबाइल से ही, आपको पता है कि जो मेरे वीडियोस होते हैं वो मोबाइल से ही बनाती हूँ, और तविशी ने इसमें ऐसी छेड़खानी की थोड़ी देर पहले कि अनलॉक्ड ही नहीं हो रहा था मुझसे और इतनी दिक्कत हुई बड़ी देर तक, फिर ये स्विच ऑफ करके चली गई और मुझे ब्लॉग बनाना था, इतना टाइम लगा इसको ओपन और ये क्लोज करने के चक्कर में। और मुझे बहुत दिक्कत होती है अगर क्या होता है कि मतलब मेरे फोन से कोई छेड़खानी कर ले, जरा सा भी कुछ चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है तो मुझे बहुत मुश्किल होती है उसे समझने में और मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है। बच्चे भी ना आजकल के इतने स्मार्ट है, पूछो मत, इसके हाथ में थोड़ी देर फोन दे दो और ये उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर करती है, पूछे मत। और मैंने अभी दही भी जमाने के लिए देखो रख दी है और मैं अभी तविशी की शिकायत लगा रही, तविशी धीरे से पीछे से बोल रही हूँ मम्मा मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, खांसी हो रही है उसको, इतनी ज्यादा पूछिए मत, कफ हो गया, जबकि इतना ध्यान रखते हैं इसका, कोई उल्टी सीधी चीज नहीं खाते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे, शायद मौसम का बदलाव है इसलिए ऐसा हो गया, खांसी खांसी हो रखी है, इसको दवाइयां दे रहे हैं और थोड़ा सा शहद और अदरक दूंगी, शायद उससे थोड़ा सा फर्क पड़े इसको, छी करने लगी, देखो बातें सुन लो उसकी, ऐसी चीजें नहीं इसे पसंद। तो उसकी जगह फिर मैं क्या दूंगा आपको, आइसक्रीम खिला दूंगी, कफ एंड कोल्ड ठीक हो जाएगा। हाँ देखो कितने खुश होके बोली, हाँ ठीक है, ऐसे होते हैं बच्चे, बहुत स्मार्ट होते हैं भाई, पूछिए मत। तो अभी मेरा और मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम बन रहा है कि शायद हम लोग जाएं हरिद्वार, तो जैसे ही तविशी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो हम सोच रहे हैं जिस दिन उसका लास्ट एग्जाम है थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर हम लोग शाम को निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा जो ससुराल है मैंने आपको बताया ही है कि वो रुड़की में है। तो आप मुझे आगे आने वाले 2-3 व्लॉग में रुड़की में भी देखेंगे, वहां के घर में भी मुझे काम करते हुए देखेंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जैसे आप मुझे यहाँ पर देखते हैं वैसे वहां थोड़ा सा रूटीन आप मेरा देखेंगे कैसा होता है। वैसे तो टाइम कम ही मिलता है जब हम लोग रुड़की वगैरह जाते हैं, तो इधर उधर किसी कभी किसी के घर कभी किसी के घर ऐसे आना जाना चलता रहता है रिलेटिव्स के यहाँ। तो जितना भी टाइम मिलेगा, जितना भी देर मैं घर में रहूंगी और जो भी कुछ करूंगी, थोड़ी थोड़ी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, तो वहां की भी जो थोड़ा सा माहौल जो होगा आप देखना कि कैसा है। तो वहां मेरी मदर इन लॉ रहती हैं तो हम वहीं जाएंगे और उनको हरिद्वार भी लेके जाएंगे, क्योंकि वो काफी दिनों से कह रही थी कि हरिद्वार जाना है, तो तविशी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो रहने के लिए आना और फिर हरिद्वार चलेंगे।
तो देखते हैं, अभी तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसा कुछ पक्का नहीं है क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स भी बहुत जल्दी कैंसिल भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अभी तक तो यही प्रोग्राम है। तो जैसे तविशी 14th को इसका एग्जाम खत्म है थर्सडे को, तो बस फिर हम पैकिंग वगैरह शुरू कर देंगे। फिर मेरे हस्बैंड का जैसे ही काम खत्म होगा फ्राइडे वाले दिन, फिर हम तभी शाम के वक्त मतलब 6-7 बजे के आसपास निकल जाएंगे, क्योंकि उस वाले रास्ते में उसके बाद 7-8 बजे के बाद ट्रैफिक नहीं होता है, नहीं तो बहुत ट्रैफिक होता है और बहुत टाइम लगता है वहां तक जाने में। नहीं तो नोएडा से अगर ट्रैफिक ना हो, नोएडा से और वहां रुड़की तक जाने में 3-3.5 घंटे लगते हैं अगर अपने व्हीकल से हम जाए तो। तो देखते हैं उस दिन कितना लगता है। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रास्ता रुड़की वाला, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं तो रात में तो इतना नहीं नजर आता है, नहीं तो बीच बीच में आम के बाग भी दिखाई देते हैं, खेत भी दिखाई देते हैं, इतनी ग्रीनरी दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बीच में भी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ, और आप भी बताना कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं मेरे वहां के व्लॉग्स, आप कितने एक्साइटेड हैं देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। और बस अब मैं डिनर की तैयारी शुरू करने वाली हूँ, 7:30 तो हो गए हैं, और तविशी का जैसे एग्जाम है वो तो पढ़ाई कर रही है अभी दूसरे कमरे में बैठकर। तो अब मैंने डायरेक्शन बदल ली है अपने रूम की, पहले मैं दूसरी साइड खड़ी हुई थी, वहां पर क्या था किसी के शोर की आवाज आ रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल गेट के पास थी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ पर अब शोर नहीं आएगा क्योंकि मैंने अब डायरेक्शन चेंज कर ली, अब दूसरी साइड हूं मैं। और मैंने अभी जैसे आज बालों में मेहंदी लगाई थी, कैसे लगाई है वो भी मैंने एक वीडियो में शेयर कर दिया है, तो अब मुझे बाल अपने अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो सामने से बिल्कुल जो व्हाइट बाल दिखाई दे रहे थे बहुत अजीब से लग रहे थे, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और धूप वगैरह में अगर मेहंदी लगाओ तो उनका बालों का जो कलर दिखता है ना बरगेंडी सा, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे आप कलर करते हो क्या, तो कलर तो मैं सिर्फ विंटर्स में करती हूँ क्योंकि उस वक्त बहुत ठंड होती है, इतनी देर तक बालों में मेहंदी लगाना वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अब तो थोड़े से गर्म दिन आ गए हैं तो आज भी मुझे गरम सही लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने मेहंदी लगा ली। मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ, काफी दिनों से नहीं लगाई थी। और पर ये है कि अब तो जितनी भी मेहंदी आती है ना सब में कुछ ना कुछ केमिकल होता है, एकदम प्योर तो कोई भी नहीं होती है। चाहे तुम बालों वाली मेहंदी ले लो, चाहे तुम हाथ वाली ले लो, आजकल जो हाथों वाली मेहंदी आती है उसमें भी कोई ना कोई केमिकल होता है, क्योंकि हर किसी के हाथों में वो रच जाती है। एक दो दिन तो वो बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद वो जो रबड़ की तरह उतरती है और हाथों को इतना ड्राई अजीब सा कर देती है ना, तब पता चल जाता है कि हाँ इसमें केमिकल है। नहीं तो पहले एक कहावत होती थी कि जिसके भी हाथ पे अच्छी मेहंदी रच रही है उसका हस्बैंड या उसकी मदर इन लॉ से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं, सभी के हाथों पे रच जाती है, चाहे हस्बैंड प्यार करे या ना करे या फिर मदर इन लॉ प्यार करे ना करे, अब तो केमिकल का रंग आता है। तो आज बस मेरा बातें करने का मन था, सोचा था एक छोटा सा व्लॉग सिर्फ बातों वाला बनाऊं जिसमें सिर्फ मेरी बातें हों और मेरी बातें मिला हुआ जो व्लॉग हो वो हो। तो बस ये था एक छोटा सा व्लॉग बातों वाला, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।